कौन सा विमान आपका फेवरेट है? हमारा फेवरेट तो सूर्य किरण है। मेरा फेवरेट उड़ चुका है कौन सा, रफाल। I just loved everything. Everything, it is a spectacular show. का फेवरेट वन? सूर्य किरण। The heart formation is very good. सूर्य किरण भी अच्छा हार्ट शेप बनाया, बहुत अच्छा। That's the best, सूर्य किरण। मेरे को सुकोई वाला वो फ्रेज वो हाँ रफेल देखने के लिए आया था। सूर्य किरण का जो मैनूवर था दैट वाज अल्टीमेट, जो सॉरी हार्ड ऑन कोलिजन जैसा लग रहा था वो दैट वाज अल्टीमेट। सूर्य किरण का जो सूर्य किरण था ना वो सूर्य किरण का जो बहुत सूर्य किरण टीम थी इट वाज या इट वाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन इज गोइंग ये आपने हार्ड एरो इंडिया 2023 अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं और आज का दिन जो है एयरो इंडिया 2023 में आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और कैमरे के सामने से भी कई लोग आ जा रहे हैं। आप यहाँ क्या देखने आए हैं, कौन सा विमान आपका फेवरेट है? हमारा फेवरेट तो सूर्य किरण है। वो कितने स्टंट्स करते हैं कि कहाँ देखो कहाँ ना देखो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, सो उनका बहुत मस्त लगता है हमें। और आप क्योंकि सुबह सुबह सूर्य किरण जो है उसका रोमांच देखा होगा आपने, कैसा लगा? यस यस बहुत बढ़िया था। सो आप लोग किसको देखने आए हैं? हम लोग मेनली जेट को देखने आए थे। जेट कोई स्पेसिफिक है या फिर F-35 जो पहला उड़ा था? देखा आपने? हाँ देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा F-35 साउंड वाइब्रेशंस वगैरह सब फील हुआ उसका यहाँ तक, तो लाइक सुपरसोनिक स्पीड में जब वो निकलता है तो साउंड पीछे रह जाता है अपना व्यू आगे चल जाता है। या इट वाज लाइक वेरी नाइस टू। आप किसको देखने आए? मैं ऐसे LCA तेजस को देखने आया था। तो बहुत सारे जेट्स देखे, ये प्रचंड हेलीकॉप्टर देखा, HAL का, सूर्य किरण देखा, F-35 देखा, सुखोई देखा। तो मैं ये एरो इंडिया को थैंक्स कहना चाहता हूँ ताकि हम ये सारे जेट्स देख सकें। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपका फेवरेट वैसे आ गया अगर आपने देखा होगा तो, सूर्य किरण जो है वो उड़ान भर आ रहा है। और यहाँ पर लोग जो हैं इस एयरो इंडिया 2023 का जो सुखद अनुभव है ले रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि आप यहाँ सर एयरो इंडिया देखने आए हैं, या आपका कोई स्पेसिफिक जेट जो आपको पसंद हो, क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ पर? वो सूर्य किरण का ये कर दिया ना ये। क्यों पसंद है? ऊपर उड़ान भर रही है या क्यों पसंद? दिखाने के लिए अच्छा होता है ना, मौका नहीं मिलता है ना एक ही। यहाँ पे जितने सर हैं सब ऊपर देख रहे हैं सूर्य किरण। यस सूर्य किरण बहुत फेमस है। आप राफेल F-35 या फिर और किसी विमान को देखने नहीं आए? सभी को देखने के लिए, लेकिन इसमें ये इंटरेस्ट होगा। सूर्य किरण यहाँ पर लोगों की पसंद बना है क्योंकि जिस तरीके का एक्शन एरोबैटिक्स टीम जो है दिखाती है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। इस वक्त एरो इंडिया 2023 में खचाखच भीड़ है और यहाँ पर लोग एरो शो को एंजॉय कर रहे हैं। आप एरो इंडिया में आए हैं देखने, क्या फेवरेट है आपका? मेरा फेवरेट उड़ चुका है कौन सा, रफाल। हाँ और क्या क्या देखा आपने? आप F-35 F-18 F-16 वो सब देखा है हमने। और सूर्य किरण का एक्शन बहुत बढ़िया था, बढ़िया था। और क्या क्या देखा आपने, कैसा अनुभव रहा आपका? मन तो वही कह रहा है कि बस हमें भी पायलट बनना है बस वही। देख के आपको भी पायलट बनने का मन कर रहा है? मन है। अकेले आए हैं आप, दोस्त लोग दोस्त भी हैं? किधर हैं दोस्त आपके? दोस्त अब भाग गए। क्यों भाग गए? पता नहीं, कैमरा में नहीं दिखना है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो है वो अपना अनुभव बता रहे हैं क्योंकि हर कोई किसी ना किसी स्पेसिफिक फाइटर जुट के देखने आ रहा है या फिर हवा में जो रोमांच पैदा कर रहा है सूर्य किरण की टीम उसको लोग देखने आ रहे हैं। देखिए अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप क्या देखने आएंगे? एयर शो। और एयर शो में कोई स्पेसिफिक विमान जो आपको पसंद है? I just loved everything. Everything, it is a spectacular show. Enjoying it. तो सूर्य किरण एक्शन में है? हाँ सूर्य किरण बहुत पसंद आया हमें। कौन सा ट्रिप किया था वो फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर सूर्य किरण जितना एक्शन दिखा रही है मुझे नहीं लगता कोई और टीम दिखा पाए। डेफिनेटली डेफिनेटली सूर्य किरण और सारंग। यस सूर्य किरण और सारंग रॉक्स। आपका फेवरेट कौन है? सूर्य किरण। क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की सब यही कह रहे हैं कि सूर्य किरण सबका फेवरेट है। हाँ आप यहीं से हैं या फिर बाहर से आएंगे देखने के लिए? नहीं यहीं से है, बैंगलोर से। बैंगलोर में आजकल लोग कह रहे हैं सो नहीं पा रहे जो यलहंका के आसपास के लोग हैं क्योंकि फाइटर जेट जब उड़ते हैं
तो उससे लोगों की नींद भी ख़राब हो रही है। हालांकि ये एरोशो बहुत ज़बरदस्त है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा है शो, आके देखना है सबको। यहाँ पर आके देखने हमारे इंडियंस के लिए और एक तरीके बिगेस्ट एयर शो है, सो आई एम प्राउड ऑफ इट। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं सबका फेवरेट यहाँ पर सूर्य किरण बन रहा है, क्योंकि सूर्य किरण का जो एक्शन है वो अनमैचेबल है और इसी वजह से लोग जो हैं वो सूर्य किरण को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप दोनों एयर शो देखने आए हैं, क्या पसंद आया आप दोनों? द हार्ट फॉर्मेशन इज वेरी गुड एंड ऑल द ट्विस्ट इज रियली ऑसम टू वॉच फ्रॉम हियर। सो दैट स्पेसिफिक फाइटर जेट पसंद आया आप? या the first one which a fighter jet which went, it was extremely very good. Aur uske alawa yet to see. Okay, enjoy the air show. Surya Kiran yahan par sabko pasand hai aur Surya Kiran ka wo jo heart formation hai wo bhi logo ko acha lag raha hai, aur kyunki aaj aam logo ke liye khol diya gaya hai ise to ab bheed bahut zyada hai yahan par. Dekhenge ki kuch log jo hain ghar se khane peene ka saman leke aaye hain, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो छाता, खाने पीने का सामान, पानी के बॉटल और खचाखच भरा है इस वक्त यलहंका एयरबेस। और यहाँ पर लोग एरो इंडिया 2023 का आनंद ले रहे हैं। सर, आप एरो शो देखने आए हैं जी, क्या पसंद आया? प्लेन्स, स्पेशली द न्यू F-35 व्हिच वी हर्ड अबाउट सो मच, सो गुड टू सी इट इन पर्सन। एंड नहीं, ऐसा तो यहाँ ये डिस्प्ले एरिया में पहली बार आ रहा है, पहले जब होता था बाहर से देखते थे। F-35 तो नहीं आया था पहले? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जी। आपको क्या अच्छा लगा? क्योंकि देखिए आपके ठीक पीछे सूर्य किरण भी इस वक्त जी, दैट्स द बेस्ट सूर्य किरण, आवर ओन एरोबैटिक एक्रोबैटिक्स टीम विच हैज बीन डूइंग वेल। यू नो, अनफॉर्चुनेटली टू ऑफ देम lost their lives, no? So now they are recouped and they are doing it again. So it's good to see. And they performed world over. So we are privileged to see our own aerobatics team doing it here. Mila jula reaction hai. Log aerobatics team ke action ko bahut zyada pasand kar rahe hain. Aur yahan par selfie wala action bhi hai, kyunki log yahan chahte hain fighter jets ko camera mein qaid karna. क्योंकि हर कोई अपने फ़ोन को जो है इस वक्त आसमान की तरफ टिकाए हुए है, क्योंकि जब भी कोई फाइटर जेट आ रहा है या फिर कोई एक्शन हो रहा है हवा में तो लोग उसे कैद करना चाहते हैं और कैद कर भी रहे हैं। और मेरे पीछे जो भीड़ आप देख रहे होंगे उससे समझ में आपको भी आ गया होगा। आप एयर इंडिया में आए सर? एयर शो देखने के लिए आए। क्या पसंद है आपको? सभी अच्छा है, सभी पसंद है। मिराज, मिराज और राफेल या और सूर्य किरण भी अच्छा हार्ट शेप बनाया, बहुत अच्छा दिखा है। हार्ट शेप लोगों का फेवरेट हो गया है? हाँ, फेवरेट हो गया लोगों का, सबका फेवरेट हो गया। आपने किसको डेडिकेट किया? हार्ट मैं मेरे वाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं। और क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्योंकि इस बार एयर शो में बहुत सारे नए विमान हैं जो पहली बार भारत में आए हैं। ये ब्राजीलिया बहुत कुछ है, और आप लोग क्या कहेंगे, सबको आकर एक बार एयरो शो का एक्सपीरियंस लेना चाहिए? सभी को आना चाहिए, जरूरी है, सबको देखना एक बार सबके। सर, आप भी एयरो इंडिया में आए, बताएंगे क्या देखे? मैं क्या बता सर, सो इट्स लुकिंग वेरी गुड, सो बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर, बिकॉज आई एम स्टेइंग बेंगलोर ओनली, बट आई वांट टू हैव क्यूरियोसिटी टू हाउ इट्स एयर शो, बिकॉज इट इज़ ए बिग वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल लेवल एयर शो, so it is very good, so it's fine, so I'm very happy to see this air show. Koi fighter jet, koi action jo hawa mein pasand aaya aapko? Yeah, now generally I saw that heart shape they are displaying that, so it's very fantastic. Sabko heart shape pasand aaya? Yeah, definitely it's good. Surya Kiran ka action sabko lubha raha hai. Yeah, still we have want to see some more how it's showing that, and so just now only it's getting started that. So let us see further different kinds of flights is coming. यहाँ पर हर कोई फैन है। भाई साहब, आपको क्या पसंद आया इस बार एयर इंडिया 2023 में? I actually came to see Rafael. Rafael देखने के लिए आया था, बाकी तो काफ़ी पहले आ चुका है, और लाइक माई डैड वॉज इन एयर फोर्स, तो मैं 3-4 बार पहले आ चुका हूँ, तो देखा हुआ है मैंने। बट जी,
आपको क्या पसंद आया इस बार एयर इंडिया में और इस एक्शन के दौरान? ये तो ऑल नए नए एयरक्राफ्ट जो आए हुए हैं इनका कर्तव्य देखते ही बनता है अभी, कितना ब्यूटीफुल है जी। और मैं हम लोगों को ये जान के बहुत खुशी होती है कि आप सब चीज़ें मेक इन इंडिया बन रही है। हाँ, वी विल एक्सपोर्ट, आई हैव डाउन द लाइन 5 years विल बी एक्सपोर्टिंग ऑल द एयरक्राफ्ट्स और डोमेस्टिक लाइक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, एवरीथिंग वी आर प्लानिंग वन बाई वन। मैम आपको क्या अच्छा लगा? सभी कुछ बहुत अच्छा लगा। कुछ स्पेशल? स्पेशल वो एक एयरक्राफ्ट ने ऊपर से जाके कुछ छोड़ा था फ्लेयर्स, वो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम दिखा। हाँ जी, हार्ट वाला आपने इनको डेडिकेट नहीं किया? या मुझे तो इट वाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन इज गोइंग फ्रॉम द एयर इट्स वंडरफुल। डेडिकेट किया आपने हार्ट? इस बार का एयर इंडिया जो है उसमें सूर्य किरण की टीम बहुत एक्शन दिखा रही है, सर आपको क्या अच्छा लगा? I am Arunagiri, Dr. Arunagiri. Okay. I am from Engineering College, Associate Professor of Engineering College, Aeronautical Department. Okay. So it's very nice to. Have you seen aerobatics? Yes, it's really very good, interesting, and quite interesting. And have you seen that heart and flares? Sure, definitely. It was very nice experience that I have you seen. Where are you from, and are you especially here for Aero India? Yes, I am here for Aero India. I am representing college. I am from MBG College of Engineering. अब आप हमें बताइए कि आप लोग क्या देखने आए हैं और क्या देखा आपने? सबसे पहले आप। हम एयर शो देखने आए, जीवन में पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बेंगलोर आके। कहाँ से आई हैं आप? हम इंदौर, एमपी इंदौर से आए। एमपी इंदौर से आई हैं एयरो शो देखने से? या तो बेटे के पास आए तो बेटे के यहीं पे रहते हैं हम लोग, लेकिन इंदौर से इसलिए बुलाए खास कि एयरो शो 2 साल में एक बार होता है, एक बार तो देखना बनता है, और बच्चे भी इसलिए आए कि भाई देखे कि क्या हो रहा है। आपको क्या अच्छा लगा? मेरे को सुकोई वाला वो फ्लेयर्स वो वाला हाँ, और शायद F-35 वो कर रहा था ऊपर नीचे। आपको पता है F-35 क्या है? हाँ, क्या है? एक जेट प्लेन है। कहाँ से आया है? US US से आया है। हाँ, आपको तो सब पता है। आप बताइए आपको और क्या अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि आप तो पहली बार आई हैं। नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, एयरपोर्ट पे आया तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। F-35 के बारे में और सूर्य किरण के बारे में अब कमोबेश सभी लोग जानते हैं यहाँ पर, और कमोबेश सबको जो है हार्ट वाला एक्शन सबको पसंद आया है। बताइए कैसा लगा आप? अभी तो हम आए थोड़ी देर पहले और हमने अभी फाइटर जेट्स का थोड़ा सा डिस्प्ले देखा था, लेकिन हम लोग इधर से जब आ रहे थे जो हॉल्स हैं और जिसमें जो सारे इंडियन प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले चल रहा है वो मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव है। मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ, लेकिन जितने कंपनीज इंडिया की अब डिस्प्ले कर रही हैं प्रोडक्ट्स और ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज़ वंडरफुल टू वॉच, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और हम शो तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा अब तक, अगर जितने भी आपने देखे होंगे हवा में, सूर्य किरण टीम है, तेजस है, राफेल है, सब ने एक्शन दिखाया, क्या अच्छा लगा? मेरे ख्याल से सूर्य किरण इज द मोस्ट इम्प्रेसिव, रेड एंड ब्यूटिफुल व्हाट दे डू। आपको क्या अच्छा लगा इस बार? सर मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं यलंका से रहता हूँ। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इधर आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, ऑसम एक्सपीरियंस अल्टीमेट। वी हैव सीन सो मेनी प्लेन्स एंड आई हैव टॉक टू सो मेनी यू नो एरोप्लेन राजस्थान एयरफोर्स एम्प्लॉज एंड पायलट्स एंड अदर पीपल ऑल्सो, ये सारा के सारा जो एक्सपीरियंस है दिस इज ऑसम अल्टीमेट। सर ये फ्लाइंग मशीन देखने ही आए हैं? आशीष गौतम, और निकल गया थोड़ा सा, लेकिन हाँ सुखोई देखा हमने, HAL वाला हेलीकॉप्टर देखा, बस रफेल देखा, सूर्य किरण का हमने ये आपको बता रहे हैं कि आपने क्या देखा? नहीं, सूर्य किरण और सुखोई सबसे बेहतरीन क्या लगा, जिसको देख कर लगा अरे बस अब जो है सब कुछ? वो बाकी अभी तेजस, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वो इम्पोर्टेंट है, वेट कर रहे हैं हम, वो सेकंड वन में आते हैं अभी, सेकंड जो होगा उसके लिए। रफाल आल्सो एंड द सूर्य किरण का जो मैनूवर था दैट वाज अल्टीमेट, जो सॉरी हार्ड ऑन कोलिजन जैसा लग रहा था वो दैट वाज अल्टीमेट। सूर्य किरण का जो सूर्य किरण था ना, वो सूर्य किरण का जो बहुत सूर्य किरण टीम थी, इट वाज या सबको पसंद आ रहा है यहाँ पर सूर्य किरण का एक्शन, क्योंकि सूर्य किरण जिस तरह का एक्शन हवा में दिखा रही है यहाँ बाकी फाइटर जेट्स उस तरीके का नहीं कर रहे हैं, और वो टीम एक्शन के लिए ही है क्योंकि वो हवा में कर्तव्य करते हैं और दिखाते हैं। तो कह सकते हैं कि सूर्य किरण यहाँ पर सबका फेवरेट हो गया है।